अनुमंडल मुख्यालय मंझोल के मंझोल पंचायत 3 में टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने को लेकर आंगनबाड़ी सेविकाओं के बीच ग्राम वार्ता आयोजित किया गया। इस दौरान ग्राम वार्ता में श्री अबड़ियारपुर की CDPO रत्ना कुमारी ने कहा कि कोरोना से जारी जंग में टीकाकरण सभी लोगों के लिए जरूरी है। 6 माह में 6 करोड़ टीकाकरण के लिए ग्राम वार्ता के तहत महा टीकाकरण अभियान की सफलता के लोगों को जागरूक कर कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसी कड़ी में ग्रास रूट पर लोगों को जानकारी दिया जा रहा है और जागरूकता फैलाया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक टीकाकरण हो सके। जो भी लोगों के बीच भ्रांतियां हो गई है कि टीका लेने से कुछ हो जाता है, उस भ्रांति को दूर किया जाएगा। जिन लोगों ने टीका ले लिया है वो एक मिसाल के रूप में ग्राम वार्ता में उपस्थित होंगे और लोगों को बताएंगे कि टीका लेने से हमें कोई भी हानि नहीं हुई है। ग्राम वार्ता नियमित चलाया जाएगा, हर पंचायत और हर गांव में जाकर हम इसे करेंगे। इससे जो लोग टीकाकरण से वंचित हैं वो खुद जागरूक होकर टीका लगवाएं। उन्होंने कहा कि परवरिश योजना से जाना अनाथ बच्चों, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना गर्भवती महिला को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़ने को कहा गया। ग्राम वार्ता में चर्चा के दौरान पीरामल फाउंडेशन के BTO दीपक मिश्रा ने कहा कि जनता की दूर को डर भगाना है, यह बताना है कि कोई नुकसान नहीं है टीका लेने से, जरा भी शंका हो तो 104 पर कॉल करेंगे। सरकार ने इस नंबर को जारी किया है, किन्हीं को कोई परेशानी हो तो उसको समझा कर दूर किया जाएगा। इस मौके पर मंझोल पंचायत 1, 2, 3 व 4 की आंगनबाड़ी सेविका पर्यवेक्षिका पद्मावती किरण सहित तमाम लोग उपस्थित थे। बीटी न्यूज बिहार के लिए कुमार गौरव की रिपोर्ट। इसके लिए हम लोग ग्रास रूट पे ग्राम वार्ता करके लोगों को जानकारी दे रहे हैं और जागरूकता फैला रहे हैं ताकि अधिक से अधिक टीकाकरण हो सके। और जो भी लोगों के बीच में भ्रांतियां हो गई हैं कि टीका लेने से कोई परेशानी होती है तो उसको हम लोग दूर करेंगे। और जितने लोगों ने टीका लिया हुआ है वो एक मिसाल के रूप में हमारे इस ग्राम वार्ता में भी उपस्थित होंगे और अपनी कहानी वो खुद कहेंगे कि ये टीका लेने से हमको कोई भी किसी भी तरह की कोई हानि नहीं हुई है। ग्राम वार्ता अब नियमित चलाया जाएगा? हाँ जी, नियमित चलाया जाएगा और हमारी कोशिश रहेगी कि हर पंचायत में हर गांव में जाकर के हम लोग इसको करें ताकि जो भी लोग इससे वंचित हो रहे हैं, छूट जा रहे हैं किसी भी कारण से और नहीं ले पा रहे हैं, वो जागरूक होकर के इसमें खुद स्वयं आ जाए। हम सिर्फ उनको सलाह देंगे और वो खुद आकर के टीकाकरण करा। आपका नाम? रत्ना कुमारी। पद? CDPO चेरिया बरियार।